नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब यूपी में विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी के लिए परेशानी लोकसभा चुनाव में अपने कमजोर प्रदर्शन को ठीक करना है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सांसद चुने जाने के बाद करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। मतलब ये कि अखिलेश की सीट पर भी चुनाव होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में सीट से टिकट चाहने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। बीजेपी में भी सीट को लेकर दावेदारों के बीच खूब मारामारी है। कम से कम आधा दर्जन उम्मीदवार यहाँ की टिकट की आस में बैठे हैं। समाजवादी पार्टी में फिलहाल रेस में कई नाम हैं। अखिलेश के करल से इस्तीफा देने के बाद मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी होने का दावा किया जा रहा था। तेज प्रताप यादव अखिलेश के परिवार से हैं और उन्हें एसपी ने कन्नौज सीट से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया था। हालांकि बाद में पार्टी ने अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनावी अखाड़े में उतार दिया। वो रेस में सबसे आगे हैं, तो इसकी कई वजह हैं। दरअसल तेज प्रताप अखिलेश और डिम्पल के करीबी हैं। उन्हें लोकसभा का टिकट देने के बाद वापस लिया गया, तो करल में वो अब एक्टिव रहते हैं और बीते 20 साल से पॉलिटिक्स में हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ नाम के आधार पर टिकट दिया जाएगा। लेकिन अगर तेज प्रताप को टिकट नहीं दिया गया तो फिर उपचुनाव की रेस में तीन और नए नाम हैं। इनमें पूर्व विधायक सोबरन यादव, पूर्व MLC प्रोफेसर रामगोपाल यादव के भांजे अरविंद यादव और डॉक्टर ज्योति यादव का नाम भी शामिल है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार प्रोफेसर SP सिंह बघेल को 67,504 मतों से हराया था। इस सीट पर बसपा के उम्मीदवार कुलदीप नारायण को 15,701 वोट मिले थे और इसी के साथ अखिलेश यादव ने 1,48,196 वोटों से जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार जहां BSP ने भी उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार का बदला लेने के इरादे से चुनावी मैदान में है। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।